सो इसमें गलती और बेवकूफ ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस के अंदर दिल है, जनता के अंदर प्यार है, इसीलिए तो इतनी भोली भाली जनता जब कोई व्लॉगर इनका जिन व्लॉगर को ये देखते हैं वो रोता है तो ये साथ में रोते हैं, वो हंसता है तो साथ में हंसते हैं, क्यों? क्योंकि भोली जनता है। लेकिन ये जो व्लॉगर्स है ना जनता, ये भोले नहीं है, इन लोगों को आप लोगों के इमोशन के साथ प्ले करना आता है। तो आगे से कभी भी किसी भी व्लॉगर के रोने पे आप लोग मत रोइएगा, क्योंकि आप लोगों के आंसू एटलीस्ट ये व्लॉगर डिजर्व नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून, और मैं हूँ ज्योति। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। सो अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट जरूर करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दोस्तों, आज थोड़ा सा मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम भी हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को भी सुनने में हो सकती है, तो काइंडली एडजस्ट कीजिएगा। सो आइए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। सो अभी दो दिन पहले ही ना मैंने अपनी वीडियो में चच्चू की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, लेकिन वही बात होती है ना कि किसी किसी को अपनी तारीफ हजम नहीं। आई थॉट कि इन लोगों को अपनी सही डायरेक्शन और सही कंटेंट समझ में आ गया होगा और ये लोग अब उस चीज पे वर्क करेंगे, लेकिन माय बैड। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी में कभी सुधर नहीं सकते, तो दे आर वन ऑफ देम बिकॉज दे प्रूव्ड इट। वेल, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये हुआ कि अगर आप लोगों ने इनकी वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं क्विकली आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि इन्होंने अभी दो दिन पहले एक कंटेंट क्रिएट किया जिसमें इनकी गर्लफ्रेंड को वापस जाते हुए दिखाया गया कि इनकी गर्लफ्रेंड जो है अब वापस जा रही है और अब दोनों अलग अलग रहेंगे फॉर 3 or 4 months एंड वो नॉर्मली विजिट करती रहेगी। लेकिन उसके नेक्स्ट डे में ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेम बोगी में नजर आते हैं ट्रेन के डब्बे के अंदर, एंड लिटरली इन लोगों को इतना फनी ये चीज लगी बताने में ऑडियंस को कि हम लोग तो प्रैंक कर रहे थे। वाओ, सबको इतनी हंसी आई कि इनके कमेंट सेक्शन में सब लोगों ने भर भर के इन्हें जो गालियां दी है ना, आप लोग खुद जाके चेकआउट जरूर करना, आप लोगों को पढ़ के बड़े मजे आएंगे। भले इनकी वीडियो देख के आप लोगों को मजा ना आया हो, लेकिन वो कमेंट सेक्शन पढ़ के आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो वो कमेंट सेक्शन जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। ये तो डे वन से पता ही है कि चच्चू बिना किसी सपोर्टिंग एक्टर के या एक्ट्रेस के कोई भी ब्लॉग को आगे नहीं लेके जाएगा। लेकिन जब इन्होंने इनिशियली डेज में अपनी व्लॉगिंग अपनी मदर के साथ शुरू की थी ना, तो उस व्लॉगिंग के अंदर एक जान थी, एक बहुत ही प्यारी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ये डायरेक्शन जा सकती थी। लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए ही नहीं कि साफ सुथरी व्लॉगिंग हो, लोग इनको प्यार करें, इनकी फैमिली को प्यार करें, तो इनको बीच में कुछ ना कुछ खुरापात तो अपनी करनी थी, ठीक है। तो चलो इन्होंने खुरापात कर ली, 2-4 दिन इन लोगों को बहुत प्यार मिला, लेकिन फिर इन लोगों ने एक ऐसा रायता फैला दिया कि अब धीरे धीरे ना आप खुद देखना कि ऑडियंस इनसे कैसे डिसकनेक्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों ने तो इन्हें अनसब्सक्राइब करने तक की भी धमकी दे दी है और काफी लोगों ने तो इन्हें कर भी दिया है। तो इन्होंने सब चीजों को नाम दे दिया प्रैंक का। मुझे समझ नहीं आता कि ये प्रैंक का कॉन्टेंट लाया कौन है, मतलब वो बंदा है कौन जो सबसे पहले इस कॉन्टेंट को लेके आया था, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जिसका चैनल उठा के देख लो एक सड़ा सा प्रैंक उठा के सामने रख देते हैं और बोलते हैं हा 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 हमने तो प्रैंक किया था। अरे अपनी गुरुजी से अगर आप प्रैंक वीडियोस बनाना सीख के आई हो तो आपके गुरुजी ने भी इतनी एक्टिंग नहीं की होगी। उन लोगों के प्रैंक वीडियोस में शुरू से ही समझ में आ जाता है एंड तक कि ये प्रैंक हो रहा है। लेकिन आपने अपनी वीडियो में अपने आप को तो, खैर आप तो कभी रोते ही नहीं हो क्योंकि आप तो अपने आप को बहुत बड़े प्रैंकस्टर समझते हो ना, तो प्रैंकस्टर को कहां रोना आता है, वो तो बाकी की टीम को रुलाते हैं ना। तो अपनी गर्लफ्रेंड को रुला रुला के इन्होंने एक प्रैंक क्रिएट करा। गर्लफ्रेंड छोड़ो, इन्होंने अपनी मम्मी को भी पीछे नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनी मम्मी को भी उस प्रैंक में रुला दिया। अरे जिस दिन सच में रोओगे ना, उस दिन तुम्हारे रोने पे कोई बिलीव ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा 3-4 बार हो चुका है कि इनकी गर्लफ्रेंड को रोते हुए देखा गया है। और पहले दिन जब वो रोई थी ना, तो सबको उस पर इतनी सिंपथी आई बिचारी पे, इनफैक्ट मैंने भी उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। लेकिन अब जब ये वीडियो मैंने देखी ना, उसके बाद तो मैंने कान पकड़ लिए कि इसके आंसुओं पे तो जिंदगी भर कभी भरोसा नहीं करना। एक बार से ना फरमान कि दोनों बीवियों पे भरोसा कर लो, लेकिन इसकी और इसकी गर्लफ्रेंड पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि इन्होंने प्रैंक के नाम पे ना लोगों के इमोशंस के साथ सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले किया है। लिटरली वो लड़की ऐसे फूट फूट के रो रही थी, इतनी नेचुरल, इससे तो साफ समझ में आ जाता है कि एक अव्वल दर्जे के एक्टर है। लेकिन बोलते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है, तो बहुत सारी ऑडियंस हमारी बहुत समझदार है जो इनके इस कारनामे से समझ गई है कि इनको कब सिंपैथी की जरूरत है और कब सिंपैथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को सिंपैथी की जरूरत एक्चुअल में है ही नहीं। कुछ ज्यादा ही घमंड और कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड इनके अंदर आ गया है। इन्हें लगता है कि जब इनका मन आए ऑडियंस के ऊपर चिल्ला के एरोगेंटली बात ही कर लेंगे,
जब भी इनका मन है ये ऑडियंस की सिंपथी और इमोशन के साथ खेल लेंगे, उसके बाद ये ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑडियंस इनको भरपूर प्यार दे। अरे ऑडियंस भी रियल कंटेंट क्रिएटर्स को प्यार करती है, जिनके व्लॉग में कुछ रियलिटी दिखती है, जिनके व्लॉग में कंटेंट होता है, जिनके व्लॉग से कुछ कनेक्शन होता है, जिनके रोने में रोना और हंसने में हंसी आती है। लेकिन आपने तो रोने जैसी चीज का भी तमाशा बना के रख दिया, इतना नाटक, इतना ड्रामा, माय गुडनेस, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि एक पल के लिए तो मैं ही इनके आंसुओं में बह गई थी यार, उफ। उसके बाद ये लोग चले गए हैं अपनी दीदी के यहाँ राखी बांधने। तो जब मैंने इनकी दीदी का घर देखा ना, तो इनकी दीदी के घर में मतलब एक भरपूर परिवार मुझे लगा। इनके जीजू थे, छोटे बच्चे थे, इनकी दीदी थी और साथ में हो सकता है इनकी दीदी की मदर इन लॉ की एक लेडी भी मैंने वहां पे देखी। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि अपने घर तक तो ठीक था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड को अपने घर लेके आ रहे हैं, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब ये अपनी गर्लफ्रेंड को उठा के अपनी दीदी के ससुराल तक पहुंच गए बिना शादी के। जबकि आपने इनके बड़े भाई देखे भी होंगे, वो भी चाहते तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ सकते थे ना, लेकिन इनके बड़े भाई के अंदर वो समझदारी और मैच्योरिटी नजर आई। लेकिन छोटा होने के नाते इसको इतनी छूट दे रखी है यार कि इसे बड़े या छोटे का लिहाज ही नहीं पता। अभी मैं अपनी वीडियो में कुछ दिन पहले यही बोल रही थी कि हम अपने थॉट प्रोसेस किसी भी 50 प्लस या 45 प्लस एज ग्रुप के बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनका एक थॉट प्रोसेस अलग होता है और हमारा एक अलग होगा। लेकिन ये अपनी छूट को ना, जो इनके घर वालों ने इनको दे दी है, उसको ले लेके सारी दुनिया में घूम रहे हैं, सारे रिश्तेदारों में फिर रहे हैं। आप खुद सोचो कि क्या वो लोग कंफर्टेबल होंगे। चलो इनकी सिस्टर कंफर्टेबल होगी, बहन है, बहन अपने भाई की हर खुशी में कंफर्ट में आ जाती है। क्या इनके जीजू कंफर्टेबल होंगे? वो जो छोटे बच्चे इनके घर में है, वो उन्हें क्या बोल के इंट्रोड्यूस कराया होगा कि ये आपकी होने वाली मामी है? अभी हुई नहीं है पर होने वाली मामी है, अभी होने में बहुत साल है पर ये होने वाली मामी है। उनकी सास को क्या बोलकर इंट्रोड्यूस कराया होगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं गर्लफ्रेंड को लेके आता हूँ। तब एक बहन के मायके पे एक ये टैग लगा दिया कि भैया इनकी बहन का मायका तो इतना एडवांस है कि वहां पे तो शादी से पहले गर्लफ्रेंड का आना जाना इट्स नॉर्मल, शादी से पहले गर्लफ्रेंड का रहना इज नॉर्मल। भैया हर रिश्तेदार, हर समाज में रहने वाला बंदा सेम थॉट प्रोसेस का नहीं होता। कहीं तो अकेले निकलो, कहीं तो अपने रिलेटिव को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तों को अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो अपने साथ। इतने टाइम के बाद आपने खुद बोला कि आप अपनी बहन से मिले, तो आपको एक प्रिवेसी चाहिए थी अपनी बहन से मिलने की, उनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की। अब क्योंकि आप अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी इक्वली उसकी तरफ भी हो जाती है कि ये कहीं से भी अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इसको कहीं से भी कॉर्नर ना फील हो। तो आपने क्या तो अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, क्या उनके बच्चे के साथ किया होगा, क्योंकि आप तो अपने साथ एक बड़ा बच्चा लेके गए हुए हैं ना, जिस बच्चे की टेक केयर भी आप ही को करनी पड़ती है। सो लॉट्स ऑफ थिंग विच इज रियली रियली बैड, एक्चुअली रियली बैड, नॉट फॉर अस बट फॉर द पब्लिक। इनकी एज ज्यादा है फॉर द एल्डर्स, तो कुछ अपने बड़ों की ही इज्जत कर लो यार, कुछ उन्हीं की रिस्पेक्ट कर लो। देख तो लो कि क्या दिखा रहे हो, देख तो लो कि कहाँ ले जा रहे हो, देख तो लो कि बहन का ससुराल है, ये तो देख लो कि बहन के ससुराल में बड़े बूढ़े लोग भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं। समझाना तो बेकार है क्योंकि ये लोग आ जाएंगे फिर रोते धोते अपने एक वीडियो बनाने के लिए, हमें ऐसा बोल दिया, हु आर यू, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले, हमारी मर्जी। जब हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कौन होते हो? हम तो कोई ना कोई तो होते हैं ना, क्योंकि आप ये जो अपना कंटेंट है ना, ये गर्लफ्रेंड ये आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, तो जब सोशल मीडिया पे आपके गुरुजी को लोगों ने नहीं बख्शा, तो आप किस खेत की मूली है, आप कैसे बच जाएंगे? तो अगर आपको भी यही कंटेंट लेके आगे कंटिन्यू करना है, ऐसा ही क्रिंज 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 फैलाना है, तो फिर आप रिएक्शन झेलने की हिम्मत आपके अंदर आ ही जाएगी, क्या आ जाएगी, क्या आ ही गई होगी, इतने साल दिए हैं वहां पे, अच्छा अच्छा कंट्रोवर्सी आपने देखी है, अच्छी अच्छी कंट्रोवर्सी का आप खुद भी हिस्सा रहे हैं, तो सारी सीख लेके आए हो, तो कुछ अच्छी चीजें भी सीख के आते ना। लेकिन नहीं, वो सीख के नहीं आया, वो बंदे ने शादी करने के बाद अपनी बीवियों को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया है। गर्लफ्रेंड वाला टाइम पे नहीं दिखाता था वो अपनी बीवियों को, शादी करके दिखाता था और अपने घर ससुराल यहाँ लेके नहीं घूमता था। तो अगर इतना कुछ सीख के आए थे तो कुछ ढंग का भी सीख के आ जाते, शादी कर लो, घूम लो, जहां घूमना है, जहां मर्जी जो करना है, पर एक रिश्ते के साथ घूमो, बिना किसी रिश्ते के गर्लफ्रेंड का हवाला देके ऐसे पूरी दुनिया में ना वर्ल्ड टूर मत मारते फिरो, थोड़ा छोटे बड़ों का लिहाज कर लो। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ बॉम्ब देहरादून।